रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया 78 दिनों के बोनस का ऐलान। रेल मंत्रालय ने इस साल अपने कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है, जिससे लाखों रेलवे कर्मचारियों को राहत मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे के कर्मचारियों को इस साल 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस दिया जाएगा। इस फैसले से रेलवे के कुल 11,72,240 कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया बड़ा फैसला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कर्मचारियों को 76 दिनों का बोनस दिया जाने का प्रस्ताव था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बोनस को 78 दिनों का करने का फैसला किया गया। इस बोनस के लिए कुल 2,029 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसे विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में वितरित किया जाएगा। 2,029 करोड़ रुपए का बोनस होगा वितरित। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक 78 दिनों के बोनस के रूप में कुल 2,029 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह बोनस विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टेरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप सी कर्मचारी शामिल हैं। 13 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे में कुल 1,19,952 नए कर्मचारी जुड़े हैं, जबकि 58,642 कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 31 मार्च 2024 तक रेलवे के कर्मचारियों की कुल संख्या 13,14,952 हो जाएगी। दुर्गा पूजा से पहले होगा बोनस का भुगतान। रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को यह बोनस दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले ही उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। इस साल 78 दिनों की अधिकतम बोनस राशि 17,951 रुपए तय की गई है।